ऐसा मेरा तो एक स्टूडेंट था जो अपने कॉलेज में जाके फीस की लाइन में खड़ा हुआ था और फीस जमा नहीं करवाई, जब उसका नंबर आने लगा तो वो हट गया लाइन से और ऑटो पकड़ के आगे कोचिंग ज्वाइन कर। मैंने वन ईयर वाले जो ट्वेल्थ में आते हैं बच्चे, उनमें जिन्होंने इलेवंथ में कोचिंग नहीं करी हुई है, उनको भी सिलेक्ट होते हुए देखा है। अगर वो मेहनत कर सकता है तो उसको जरूर एक शॉट देना चाहिए। वन ईयर में ट्वेल्थ जब आपने स्टार्ट की है, उस समय ड्रॉप कोर्स के बारे में सोचना भी गलत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेनिट। सो आज हमारे साथ है हमारी नीट की फैकल्टीज जो डिस्कस करने वाली हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं। तो सारे एस्पिरेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस समय ट्वेल्थ में हैं, आपको बहुत ही फोकस के साथ ये डिस्कशन सुनना है। सो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा मनु सर आपके लिए, तो सर क्या वन ईयर की जो कोचिंग है स्कूल के साथ बच्चे नीट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, करना भी चाहिए। वैसे तो टू ईयर करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा वन ईयर कोर्स के लिए ऑप्ट करे तो एक बात तो समझ में आती है कि थोड़ा सा लोड रहेगा। ओके। क्योंकि नीट के अंदर सिलेबस तो 2 साल का आता है, इलेवंथ का, ट्वेल्थ का, और अगर कोचिंग ट्वेल्थ में स्टार्ट की है तो उसके लिए वो वन ईयर जो है वो टू ईयर का लोड लेके आएगा। प्लस उसके अलावा बोर्ड का ईयर भी है वो, क्योंकि ट्वेल्थ में है वो तो बोर्ड का ईयर भी है। और मतलब आप समझ लीजिए कि जो ओवरऑल पैकेज है उसमें थोड़ा सा प्रेशर हायर साइड पर रहेगा इसमें, तो वो तो है, फैक्चुअल है। ओके सर, प्रतीक सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अब जैसे जो बच्चा ट्वेल्थ में है तो वो जो इलेवेंथ का पार्ट रह गया है, जो पढ़ाई रह गई है, वो साथ में कैसे कवर करेगा? देखिए, अगर इलेवेंथ आपने पहले कभी कोई कोचिंग से किया हो तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। बहुत बार ये सिचुएशन होती है कि बच्चे ने इलेवेंथ में कोचिंग नहीं की होती है, उसमें थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन अगर बच्चा टाइम मैनेज करके चलता है, कुछ आवर्स अपने दिन के रख दे कि वो इलेवेंथ ही पढ़ेगा उस टाइम पे, और उसको ठीक से अगर रिवाइज करता है तो वो डेफिनेटली और कंफर्टेबली कर सकता है उसको। और वो जरूरी भी है क्योंकि नीट में सिलेबस तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का आना है, और इलेवेंथ कहीं ना कहीं बेसिक पार्ट होता है, उसी पर ट्वेल्थ जो है वो बिल्ड करते हैं हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट। जैसे खासकर फिजिक्स में ऐसा होता है कि इलेवेंथ के कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद ही हम बाकी जो चैप्टर्स हैं वो सीख सकते हैं, तो वो पढ़ना जरूरी भी है। तो मेरा एडवाइस भी ये रहेगा कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, आपने ट्वेल्थ में अगर एडमिशन लिया है, तो इलेवेंथ पर एक टाइम उसको डेडिकेट कर दीजिए, उसको पढ़िए, और जहाँ भी आप फंसते हैं वहाँ टीचर्स की हेल्प लीजिए अपने। बिल्कुल दीपिका मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। आई थिंक किसी हमारी एक वीडियो में भी किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि लेट्स अज्यूम कि किसी बच्चे ने इलेवेंथ में कोचिंग किसी और इंस्टीट्यूट से ली है एंड ट्वेल्थ में फॉर एनी रीजन उसको लगा कि अब मुझे कोचिंग किसी और इंस्टीट्यूट से लेनी है, तो क्या इसका उसकी जो ओवरऑल तैयारी है नीट की उस पर कुछ असर पड़ेगा? आई डोंट थिंक कि कुछ असर पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कहीं से पहले कोचिंग ली है तो वो आप सेम सिलेबस कवर करके आए, सिंस द करिकुलम इज सेम, एवरी कोचिंग इज फॉलोइंग द सेम चैप्टर सेम सिलेबस, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। द मेन थिंग दैट कम्स इज कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करते हैं, आप उसको रिवाइज कितना करते हैं, तो ज़्यादा कोई लोड वाली बात नहीं रहती कि अगर आप कहीं स्विच कर रहे हैं, कोई कोचिंग चेंज कर रहे हैं, तो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। द मेजर थिंग कि आपको फोकस के साथ ट्वेल्थ करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको बोर्ड प्रिपरेशन भी करना रहेगा। ओके तो मैम, और जैसे लेट्स से कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई इलेवेंथ में कोचिंग ली ही नहीं है, तो क्या वो ट्वेल्थ में अपनी पढ़ाई अच्छे से करके फिर वो नीट क्रैक कर? बिल्कुल मैम, इट इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि इलेवेंथ में अगर आपने कोचिंग नहीं ली है और आपने स्कूल में भी अच्छे से लेसन नहीं पढ़े, पढ़ाई करी ही नहीं, तो थोड़ा मुश्किल है कि आपको चीज़ें ग्रैस्प करने में, सीखने में, पेपर पैटर्न समझने में थोड़ा टाइम लगे। बट अगर आपने बेसिक्स प्रिपेयर किए हुए हैं, अच्छे से किए हैं, और आप ट्वेल्थ में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से हो जाता है। इन माई करियर आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्वेल्थ में कोचिंग ज्वाइन किया था एंड दे वर्कड वेरी हार्ड, मतलब उन लोगों ने दिन रात एक किया था, उनको हमने देखा है, वो 24/7 हमारे पहुंचने से पहले इंस्टीट्यूट पहुंच जाते थे कि ये टीचर आए और हम इनको पूछ के डाउट पूछ लें। तो ऐसा डेडिकेशन आपको लाना पड़ेगा अगर आप वन ईयर कोचिंग के साथ कम अप कर रहे हैं तो। राइट। मनु सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, सो वन ईयर कोर्स ट्वेल्थ में करना बेटर है या फिर ड्रॉप करके ट्वेल्थ पास के बाद बेटर है? देखिए, मैं
वही जो अभी दीपिका मैम भी कह रही थी ना, अगर तो मान लीजिए बच्चे ने इलेवेंथ में कभी कोई कोचिंग करी नहीं है और वो सीधे ट्वेल्थ में आया है, तो आप अगर ट्वेल्थ में है तो यूटिलाइज दैट ईयर, मतलब उस आप ड्रॉपर के ड्रॉप कोर्स के बारे में तो अभी सोचो भी मत, क्योंकि यू नो वो कहते हैं बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। अब जो इस समय आपके हाथ में वो साल है, आप उस साल का वो ऐसे यूज करके यूज करो जैसे कि यही साल है, ठीक है ना। विकल्प तो तब उठेगा जब आप वो साल को जस्टिस करके उसके साथ न्याय करके आपने अगले साल नीट दिया और नीट में अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कोई सीट कन्वर्ट नहीं हुई, देन ऑफ कोर्स ये समझ लीजिए कि जो थोड़ी शॉर्ट कमिंग रह गई होगी प्रिपरेशन में वो ड्रॉपर कोर्स में कंप्लीट हो जाएगी। पर वन ईयर कोर्स में आके जो मैंने कई बच्चों में भी यू नो ऐसी टेंडेंसी देखी है, तो अगर बच्चों ऐसा कुछ है दिमाग में तो बिल्कुल ही हटा देना उस चीज को, कि वन ईयर कोर्स में आने के बाद बच्चे कहीं खुद ऐसे कहते हैं कि अब एक साल में हम क्या कर पाएंगे, इलेवेंथ तो हमारा चला ही गया, तो बट डज दैट गिव यू अ रीजन एम्पल इनफ टू से कि अब ट्वेल्थ भी खत्म कर दो। अगर मान लो इलेवेंथ खत्म हो गया यू नो ड्यू टू सम अल्फा बीटा रीजन आप इलेवेंथ में कोचिंग नहीं कर पाए, तो क्या उसका अंतिम निष्कर्ष ये होना चाहिए कि हम ट्वेल्थ भी खत्म कर दें? नहीं, कि नहीं यार एक साल में क्या हो सकता है, ऐसा नहीं, एक साल में बहुत कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप एक साल के अंदर क्लियर ही कर जाएं यू नो और आपको सीट मिल ही जाए, यू नो अपनी पसंद की सीट मिल जाए, कॉलेज मिल जाए। उस साल को ऐसे मत सोचना कि इसमें क्या हो सकता है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और उस साल के अंदर अपना पूरा सर्वस्व जो आपके अंदर है वो सब कुछ डाल दो। उसके बाद वी विल वॉच यू नो द स्कोर, कि स्कोर कितना आया है। वैसे तो मैंने वन ईयर वाले जो ट्वेल्थ में आते हैं बच्चे, उनमें जिन्होंने इलेवेंथ में कोचिंग नहीं करी हुई है उनको भी सिलेक्ट होते हुए देखा है। तो मैम भी जैसे बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसमें करते क्या हो। बात तो एक साल की नहीं है, बात यह है कि उस एक साल में आपने करा क्या। अब किसी ने मान लो टू ईयर कोर्स किया और फिर भी कुछ नहीं किया, तो उसका तो दो साल बाद भी नहीं सिलेक्शन होगा। किसी ने वन ईयर कोर्स किया और उसमें मतलब अपने आप को झोंक दिया, जैसे मैम 24/7 बच्चा मतलब टीचर के इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले वो इंस्टीट्यूट पहुंचा हुआ है, ये बड़ी मतलब कम बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर आपके अंदर रियली वो फायर है तो आप वन ईयर में भी क्लियर कर देंगे, नथिंग कैन स्टॉप यू। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कहता अनफॉर्चुनेटली, उसमें एक वन ईयर कोर्स में एक इफ जरूर होता है। अगर उस इफ के चलते मान लो वो सिलेक्शन कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो ऐसे में ड्रॉप कोर्स को देखना चाहिए। बट वन ईयर में ट्वेल्थ जब आपने स्टार्ट की है उस समय ड्रॉप कोर्स के बारे में सोचना भी गलत है, मतलब ठीक नहीं है। तो पहले आप उस साल को जस्टिस करो और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी बात की फिर नीट के बाद में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मानु सर ने कही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से आप अप्रोच करेंगे तो हो ही जाएगा, राइट? बिल्कुल 100% बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल गौरव सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। काफी बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि क्या वन ईयर कोर्स के बाद आपको क्रैश कोर्स करना चाहिए? तो मैम एक्चुअली होता क्या है कि वन ईयर कोर्स के बाद जब आप वन ईयर कोर्स कर रहे होते हो तो कोचिंग में होता क्या है कि वो आपको ट्वेल्थ का सिलेबस करा रहे होते हो। उस टाइम पे जब आप ट्वेल्थ में होते हो तो कोचिंग में भी पैरेलली ट्वेल्थ का सिलेबस चलता है। तो बच्चे ने अगर पहले कोचिंग नहीं ली है इलेवेंथ में कहीं हो से, या फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो वो ट्वेल्थ हो जाती है उसकी, तो उसके बाद क्या होता है, उसका इलेवेंथ का पोर्शन तो अच्छा है नहीं, ठीक है, तो उसको अगर एग्जाम देने जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर उसका इलेवेंथ का पोर्शन अच्छा नहीं है, जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ट्वेल्थ के बाद, वन ईयर कोर्स के बाद जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इलेवेंथ का पोर्शन है मैकेनिक्स, ठीक है, वो सही है, उसमें स्कोर आ रहा है तो यानी कि वो सही है। अगर स्कोर नहीं आ रहा तो आपको समझ आ जाएगा कि वो सही नहीं है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वन ईयर कोर्स के बाद क्रैश कोर्स करिए, सो दैट कि जो आपका इलेवेंथ का पोर्शन छूटा हुआ है वो उस टाइम पर आप अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। इसलिए वन ईयर के बाद क्रैश कोर्स रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर इलेवेंथ का पोर्शन अच्छा नहीं है तो मस्ट है, करना चाहिए। बिल्कुल। एंड सर, जैसे कुछ बच्चे हैं, लेट्स से उन्होंने वन ईयर कोर्स लिया, उनको सीट भी मिल गई, लेकिन उनको प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिला, तो उस सिचुएशन में बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे पे और उसके माइंडसेट पे। अगर उसने पूरी जान लगाई है, पूरी मेहनत करी है अपनी, ठीक है, दो साल तक या जो भी उसने कोर्स किया उस टाइम पे उसने पूरी मेहनत करी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको सीट मिली, बट वो उससे खुश नहीं है और उसको लगता है कि वो आगे अभी और मेहनत कर सकता है,
ताकि अच्छी सीट उसको मिल जाए, ठीक है। अगर वो मेहनत कर सकता है तो उसको जरूर एक शॉट देना चाहिए। बट इफ उसको लगता है कि यार बहुत हो गया है, मैंने इतनी मेहनत करी है और अब मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि नीट के जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना वो बहुत हार्ड होता है बच्चों के लिए, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है। हाँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी मेहनत के साथ जो उसको सीट मिली है, राइट, ठीक है। अब अगर वो उसको छोड़ दे और उसको लग रहा है कि मैं आगे इतनी और ज्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको वो सीट ले लेनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज उसको मिल गया है। अब उसको अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी है, उस फील्ड में कंटिन्यू रखेगा तो वो अच्छी एक पोजीशन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका फ्यूचर जो अच्छा कॉलेज वाला स्टूडेंट है उसके कंपैरेटिवली अच्छा नहीं होगा, उसका फ्यूचर उससे ब्राइट हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो अब कितनी अच्छे से मेहनत करेगा और अपने गोल की तरफ कितने अच्छे से प्रोसीड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनु सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अब जिन बच्चों को नहीं प्रेफर्ड कॉलेज मिला, तो मतलब आपको क्या लगता है इस मेंटालिटी के पीछे क्या, मतलब बच्चों को क्या ये फॉलो करना चाहिए ऐसे कि अच्छा मेरा प्रेफर्ड कॉलेज है नहीं मिला, तो वो दिमाग में डाउट आ जाए कि अब मैं शायद उतनी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा जो करना है लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अब आजकल क्या होता है कि हमारी कंट्री में वैसे भी इफ यू एंड अप विद अ सीट यू नो इन अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज एंड अब वही बात है कि आपको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो इसके अंदर कैटेगरीज है। एक तो ये होता है कि भी मुझे MBBS चाहिए था, अब मुझे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में MBBS दिल्ली में चाहिए था, अब मुझे दिल्ली में MBBS नहीं मिल रहा, मुझे जयपुर में मिल रहा है। तो मिल MBBS ही रहा है आपको और अच्छे कॉलेज में मिल रहा है, यहाँ पे MMC में नहीं तो SMS जयपुर में मिल रहा है सपोजिंग, तो ऐसे में तो आप ले लो, क्योंकि इन अ कंट्री लाइक इंडिया इफ यू आर गेटिंग अ सीट यू टेक इट, लाइक मेरा तो सबसे पहले ही होगा। दूसरा, एक साल रुक के ट्राई करना दोबारा है तो इट साउंड्स यू नो कि आप मतलब बिल्कुल सुपरमैन टाइप के हैं, मतलब आप ऐसा कर सकते हो और कई बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब फ्रॉम माय एक्सपीरियंस द नेक्स्ट ईयर इज नॉट प्रिडिक्टेबल। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली एकेडमिकली, ईश्वर ना करे उस समय कोई शारीरिक समस्या लग गई, कोई टाइफॉइड या जॉन्डिस या कुछ भी, मतलब कुछ भी इसमें डाल सकता हूँ, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन You take that chance for what reason? You know, और आप उसके आपके stakes क्या हैं उसमें? You know, what are the stakes on which you are taking this decision? के next year मैं एक बार फिर से दूंगा। अब दूसरा विकल्प ये है कि आप government MBBS करना चाहते थे और आपको मिल रहा है dental या फिर कोई ऐसा course जो आपके MBBS नहीं है, मतलब सारे courses respectable हैं, सारे courses अच्छे हैं, लेकिन वो आपका ड्रीम कोर्स नहीं था। जैसे आयुष मंत्रालय में कोई आपको कोर्स मिल रहा है, बहुत अच्छे हैं आजकल, बहुत डिमांड में चल रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की वो पर्सनल प्रेफरेंस नहीं थी। ऐसे में अगर वो ये बोलता है कि नहीं सर मैं तो नेक्स्ट ईयर एक बार फिर से ट्राई करूंगा, ठीक है ना, मैं उसको फिर भी वैलिडेट कर सकता हूँ कि आई विल नॉट से दैट एंटायरली दिस डिसीजन विल बी रॉन्ग। अगर उस बच्चे में दम है, जैसे सर अभी कह रहे थे यू नो कि ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि दम है, क्योंकि एक साल पढ़ना ट्रॉमेटिक हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, और प्लस उसके साथ साथ एक बैगेज ऑफ अनसर्टेनिटीज आपके साथ में जुड़ी हुई आती है यू नो, जिनको लेकर के आप बहुत निश्चय से नहीं कह सकते हो कि अगले साल की मैथमेटिक्स वैसी ही रहेगी जैसे इस साल की रहेगी, बिल्कुल। या तो क्या आप मानेंगे मैम, मतलब जिस समय हम नीट देने जाते हैं उस समय की मानसिक स्थिति भी एवरी ईयर डिफरेंट होती है, मतलब एक साल पहले जो मानसिक स्थिति थी जब आप सेंटर पे गए थे और एक साल बाद जो मानसिक स्थिति है सेंटर पे, ये भी डिफरेंट होती है फॉर द सेम स्टूडेंट। तो स्टेक्स हैं, अगर तो गैप बहुत ज्यादा है आपकी प्रेफर्ड सीट में और जो आपको मिल रहा है उसमें, फिर तो मैं कहूंगा कि ठीक है, द डिसीजन कैन बी वैलिडेटेड। और ऐसे मैं एंडलेस एग्जाम्पल्स कोट कर सकता हूँ जहाँ पे बच्चे ने ऐसे किया। ऐसे मेरा तो एक स्टूडेंट था जो अपने कॉलेज में जाके फीस की लाइन में खड़ा हुआ था और फीस जमा नहीं करवाई, जब उसका नंबर आने लगा तो वो हट गया लाइन से और ऑटो पकड़ के आके कोचिंग ज्वाइन कर ली, मतलब प्रेफर्ड कॉलेज ना मिलने, प्रेफर्ड कॉलेज ना मिलने, क्योंकि वो वहां पर भी खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे कि मेरे को यहाँ नहीं करना है। अब ये भी बात ठीक है कि भाई सीट मिल रही थी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रही थी, भाई तुम करो, लेकिन उसने एन मौके पर यू नो डिसीजन चेंज करके कोचिंग दोबारा ज्वाइन करी और अगले साल उसे अपना प्रेफर्ड कॉलेज मिल गया। तो मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है, 50-50 है। हाँ, 50-50 है। मैं कहूंगा सबसे पहले आप ये देखो आपको क्या चाहिए था और आपको क्या मिल रहा है, अगर उसमें गैप कम है तो फिर तो ले लो जो आपको मिल रहा है, अगर गैप ज्यादा है तो फिर ऐसे में आप दोबारा ट्राई करने की सोच सकते हो।
मुझे लगता है इसमें ये कॉलेज प्रेफरेंस में पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि उनको भी आई थिंक कहीं ना कहीं होता है कि अच्छा बच्चों इस कॉलेज में आपको होना है, मतलब ये ड्रीम कॉलेज होना चाहिए. पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा इस पर? जैसे सर ने कहा, आई वुड लाइक जस्ट लाइक टू ऐड कि ये डिपेंड करता है कि आप क्या कौन सा कॉलेज मिल रहा है. लाइक अगर आपको जैसे MMC जाना था बट आपको SMS जयपुर मिला है, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉलेज. तो इसमें मुझे लगता है कि कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए पेरेंट्स को भी कि आपको यहीं जाना है वहीं जाना है. दैट इज़ नॉट वैलिडेटेड ऑल्सो. अगर तो कोई बहुत फार अवे फ्रॉम योर होम एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट टू मच ऑफ अ रेप्यूटेड. वैसे तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया रेप्यूटेड. आप कहीं पर भी MBBS कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल गुड कोर्सेज. वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और सब सिखाएंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं है. बट पेरेंट्स को थोड़ा बहुत इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए बच्चे के साथ कि ये कॉलेजेस हमारे पास प्रेफरेंसेस में हैं, ये हमारे पास लिस्ट है, ये नहीं है तो ये भी है. मतलब ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि इसी में ही जाना है. तो पेरेंट्स को इक्वली एजुकेटेड होना कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे करिकुलम में जा रहा है, क्या कर रहा है, वो बहुत नेसेसिटी है. और ड्यूरिंग दी 11th 12th ऑल्सो अगर बच्चा 2 ईयर कोर्स कर रहा है, 1 ईयर कोर्स कर रहा है, तो पेरेंट को भी इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली. राइट. क्योंकि स्ट्रेस पीरियड है. सर ने कहा कि एवरीबडी सेइंग है ना कि हमारे पास कॉम्पिटिशन इज हार्ड इंडिया में. शायद नीट क्रैक करना ना इतना मुश्किल नहीं है. इट इज़ वेरी easier paper in comparison to the other competitive examination, but the only point we have is ki bahut zyada log hain. 21 lakh of people are registering for the exam and approximate 19 lakh are appearing for the exam. aap sochiye ki kitna competition hai. aur aap 2 year 1 year ya pass droppers ke sath kar rahe hain to aapko aur bhi pressure hai. to in sab mein ek parent ki counseling along with the teachers counseling is very much necessity. तो पहले तो प्रेपरेशन के टाइम पे पेरेंट्स शुड बी अवेयर इनफ कि आपका बच्चा किस मेंटल स्टेट से जा रहा है. वो बहुत प्रेशर नहीं ले रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं. आप उनको कुछ ज़्यादा प्रेशर दे नहीं सकते और वो लेते भी नहीं है. तो उसके लिए थ्रू आउट दी जर्नी इज़ वेरी मच नेसेसिटी. अगर वो अपने बच्चे की जर्नी देखते हैं ना, तो शायद वो अपने एम्स को चेंज भी कर सकते हैं कि चलो हमने MMC सोचा था बट हम लोग SMS पे सेटल कर रहे हैं, तो ये अच्छा है क्योंकि इट्स अ वेरी हार्ड अर्न सीट. एग्जैक्टली. बहुत नेसेस बहुत एफर्ट के बाद मिली है वो. तो वहाँ पे अपना पेरेंट खुद ही कॉम्प्रोमाइज नहीं, खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. वी शुड नॉट लूज इट एक्चुअली. राइट. वेरी वेल सेड प्रतीक सर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे. जो हम 1 ईयर कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? देखिए, 1 ईयर कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज तो जैसे सर ने बताया कि हमने ना वेट करते हुए अर्ली उसको स्टार्ट कर दिया. जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं वो बेटर है. right. तो आपने 12th में अगर स्टार्ट कर दी तो एटलीस्ट यह है कि आप 12th का पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे. पैरेलल अपनी टीचर्स की हेल्प से आप 11th को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर सिलेक्शन नहीं होता है उस साल, तो हम ड्रॉप लेकर फिर से प्रिपरेशन कर सकते हैं. उसमें यह है कि हमको फोकस केवल 11th वाले पार्ट पर ज्यादा करना है, क्योंकि 12th वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी स्ट्रांग है. डिसएडवांटेज इसमें यह है कि एफर्ट बहुत ज्यादा पुट इन करना पड़ रहा है बच्चे को. जब वो 1 साल में 2 साल का सिलेबस पढ़ रहा है, उसको उस साल बोर्ड एग्जाम भी देनी है, उसको नीट भी अपियर करना है, तो उसको एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा. तो अगर वो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्ट भी हो जाते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाते, स्कूल के साथ बोर्ड्स के साथ मैनेज नहीं कर पाते, तो वो 1 ईयर कोर्स का एक डिसएडवांटेज होता है. बट उसको भी अगर बच्चा दृढ़ निश्चय कर ले तो वो डेफिनेटली कर सकता है. बिल्कुल. आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. और आप सभी के अगर कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं. इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में 2 ईयर कोर्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. थैंक यू सो मच.